आखिर टी बैग का राज क्या है? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अरे क्या बात है, आज तो मेरी फेवरेट डिश बन रही है। पर मैंने ये डिश ज्यादा नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा ही खाती हूँ। क्या खाने बन गई है मैम? चैन जाओ, जाकर प्लेट्स लगाओ। ओके। इतने सारे बॉक्स, ये सब मेरे लिए है। आपको पता था मैं आऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, लेकिन वजह क्या है? वो क्या है ना कि घर में पानी की टंकी लीक कर रही है, इसलिए मैं वहाँ सो नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके घर आ जाऊँ। देखो मैंने खाना सर्व कर दिया। ये वाला मेरा है। तुम जरा रुको तो, लाओ खाना मैं सर्व करती हूँ। ये देखो ये तुम्हारे लिए है, ये लो। बस इतना सही? अगर तुम्हें खाना नहीं खिलाना तो मत खिलाओ। क्या? तुम्हें नहीं खाना? वो बात ये है कि खाना तो मैं वापस ले जाती हूँ। मसाई मसी, आज माम का मूड थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा तो आप समझे ये बात है। चैन, डैड से कहो खाना लग गया है। ओके, डैड खाना लग गया है। ठीक है। यार इस तरह चुपचाप क्यों लेटे हैं? ये एक राज है। पर कैसा राज? टी बैग को रिसाइकिल करने के बारे में है। अच्छा ऐसी बात है, टी बैग रिसाइकिल करना है। ¿Qué haces con eso? Tráelo aquí, que me lo vas a dar de sí. ¿Y tú desde cuándo te compras tangas, eh? No me lo he comprado, lo he hecho. ¿Eh? Las puntillas de unas bragas estaban muy gastadas y pensé que cortándolas podría seguir usándolas. ¿Y las has convertido en tanga? Es que eran muy caras. Era una lástima tener que tirarlas, así que las reutilizo. El tanga acaba de perder el atractivo que tenía. Mira que llegas a ser tacaña. ¿Tacaña? No sabes lo que cuesta llegar a fin de mes con un sueldo como el tuyo. ¿Qué pasa con mi sueldo? Tú no sabes lo que me cuesta ganarlo. ¡Cujica! ¿Y ahora qué haces? ¡Estás loca! Mujer, no puedo entender nada. अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। मैम ये डिस्काउंट में लाई थी। तुम बहुत अच्छे से घर चलाती हो। जानती हो घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे पता है कि मैं घर कैसे चलाती हूँ। छन, जिसने भी ये खाना बनाया है बेटा उसे बता दो बहुत ज्यादा ऑयली बना है ये, अगली बार से ध्यान रखे थोड़ा। ओके, मॉम डैड कह रहे हैं कि अगली बार शिनचैन को दो पीस ज्यादा मिलने चाहिए अचार के साथ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। शिनचैन तुम्हें पता है ये खाना इतना टेस्टी क्यों बना है? क्योंकि मैंने मसाला अच्छे से ऑयल में भूना है। अगर मैं ऑयल कम डालती तो ये इतना टेस्टी नहीं होता। मॉम कह रही है कि कल ऑफिस से आते वक्त शिनचैन के लिए एक्शन कमिन वाला गिफ्ट लाना है और चॉकलेट भी। शिनचैन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या? लेकिन मुझे यही सुनाई दिया। अरे तुम दोनों शिनचैन को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान तो ये कर रहे हैं। सब तुम्हारी गलती है। ठीक है ठीक है, देखो टी बैग ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ना चाहिए। तुम दोनों आपस में लड़ना छोड़ो और दुनिया के बारे में सोचो। ये सोचो कि दुनिया में अमन और शांति कैसे लाई जाए। ये अमन और शांति कौन है? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ तुमने देश और दुनिया के लिए क्या किया है? कम से कम मैं किसी से लड़ाई तो नहीं करती। तुम तो बस चुपचाप बैठकर खाना खाओ। एक तो तुम बिना बताए कभी भी घर पर चली आती हो और अब मेरी ही कमी निकाल रही हो। अरे इसे क्यों परेशान कर रही हो मित्सी? अब देखिए हैरी, आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम दोनों बहनों के बीच का मामला है, इसे हम आपस में सुलझा लेंगे। आप बस आराम से खाना खाइए। क्यों खाऊं मैं खाना? अरे नहीं, मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शांति से दर्द भी ठीक हो जाएगा। हैरी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहस करने से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। भूल गया था मैं। तो ये बात आज पूरी तरह से साबित हो गई। तुम दोनों हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इस दुनिया के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने सही कहा ना? ये क्या कह रही हो मुसाई? कम खाना खाने पर मैं इसी तरह की बातें करती हूँ। शिनचैन बेटा तुम्हें बताओ क्या मुझसे ही हमेशा गलती होती है? तुम्हारे डैड से कोई गलती नहीं होती? इससे क्यों पूछ रही हो तुम? मैं जरा इसका जवाब थोड़ा सोच कर देता हूँ। देखो मेरा खाना हो गया, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो सुनिए,
मैं ननाको दीदी से पूछकर बताऊंगा। सुनिए ननाको दीदी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं प्लीज? इस बॉक्स में कितने चॉको चिप्स के पैकेट आएंगे? तुम क्या बोल रहे हो? अब वक्त आ गया है मेरे आराम करने का। आज मुझे एक बात समझ में आ गई है, दो लोगों के बीच के झगड़े में पड़कर सलाह नहीं देनी चाहिए, क्यों शिनचान? पता ही, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए। चलो मीठा करती है, ले लीजिए। वैसे तुमने सही कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे मैं भी तो चखूं। लाजवाब है। अरे तुम ये कुकीज क्यों खा रहे हो? ये तो मैं मेहमानों के लिए लाई थी। तो मैं भी तो मेहमान हूँ। तुम कोई मेहमान नहीं हो, समझी? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम तो चुप ही रहो। अरे शिनचैन, जाओ जाकर नहा लो। ठीक है। क्या मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाऊं? देखो, मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपनी लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम आपसी लड़ाई में कुकीज खत्म कर रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुसेई, जब सब ये कुकीज खा रहे हैं तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? जब इन्हें ही मेहमानों की चिंता नहीं तो मैं क्यों करूं? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है मुसेई। कम से कम तुम लोगों को शिनचैन के बारे में तो सोचना चाहिए। तुम्हें शिनचैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। मैं उसकी मौसी हूँ तो मुझे तो उसकी चिंता करनी ही होगी। बिल्कुल सही बात है। शिनचैन की चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है सिवाय मेरे और मुसेई के। मैं तो बस एक बात कर रही थी। ठीक है। ये तुमने क्या कर दिया? इसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया। अरे इसे कम से कम दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तीन बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है हैरी। नहीं, तुम सही नहीं कह रही हो। मेरा कहना बिल्कुल सही है हैरी। अरे तुम दोनों क्या टी बैग के लिए लड़ रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगा मुसाई? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। तुम हमेशा फालतू की बातें क्यों सोचती हो मुसाई? वैसे इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, क्योंकि टी बैग तो सब एक ही बार इस्तेमाल करते हैं और टी बैग इतनी सस्ती चीज है कि उसके लिए लड़ना कैसा। और मैं भी टी बैग एक बार इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देती हूँ। मुसाई, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम्हें नहीं लगता मुसाई? तुम इस तरह कुछ ज्यादा ही पैसा वेस्ट करती हो, ये गलत बात है। चलो ये सारी कुकीज खत्म करने के लिए, दही भी रखी रखी खराब ना हो जाए। वाह 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 वाह।